नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने ज्योतिष की बेसिक क्लास में। तो पहले तो मुझे क्षमा कीजिए कि मैं इस बार आपको वीडियो देने में थोड़ा लेट हो गई कुछ व्यस्तता के चलते। तो आज सीधे सीधे बात करते हैं कि आज हम ज्योतिष में राशियों के विषय में जानेंगे। राशियां जो आप जान चुके हैं कौन कौन सी होती हैं, ग्रहों के बारे में आप जान चुके हैं, भावों के बारे में आप जान चुके हैं, 12 भाव उन सब के बारे में, कारकत्व के बारे में, और आप नक्षत्रों की भी जानकारी अब रखते हैं, 27 नक्षत्र की। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि कोई भी राशि अगर लगन में होती है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, उसके चरित्र स्वभाव के बारे में हम कैसे जानें, क्योंकि हम यह जानते हैं 12 राशियों में से केवल सूर्य और चंद्रमा है जिन्हें एक एक राशि मिलती है और बाकी सभी ग्रहों को दो दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। राशियों के स्वामित्व का अर्थ है कि ग्रह जिस भाव में है, उस भाव में जो राशि बैठी है उसका स्वामी, उसे हम उस राशि का स्वामी मानते हैं। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम सभी 12 राशियों की कि उसमें बैठे ग्रह हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं या चलाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो मित्रों, हम ये जानते हैं कि मेष राशि का स्वामी भी मंगल है, वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है। यदि किसी का लग्न मेष का है तो क्या मेष और वृश्चिक वालों का स्वभाव एक जैसा होगा? नहीं, नहीं हो सकता। चाहे वो उनका स्वामी मंगल है, मंगल की जो करेज की आदत है वो अवश्य मनुष्य में होगी, क्योंकि मंगल पराक्रम का कारक है तो मंगल पराक्रम देता है। लेकिन मेष वालों के लिए उसका पराक्रम कैसा होगा, वृश्चिक वालों के लिए कैसा होगा, गुस्सा क्या दोनों का एक जैसा होगा, तो वो जानने के लिए हम हर राशियों को लेंगे और उसको समझेंगे। तो समझिए, मेष राशि का लगन है, मंगल इसके स्वामी है, तो आप ये देखिए ये चर राशि है। अब मंगल को गुस्सा आता है, चर राशि क्या है, बहुत जल्दी अपने स्थान का परिवर्तन करने वाली। चर राशि का स्वामी एक मेड़ा है, बैल है जो एक जगह नहीं टिकता। मेड़ा वो घास चरने के लिए कभी इधर कभी उधर, एक भेड़ चाल भी होती है उसकी, यानी एक भेड़ आगे गई उसके पीछे पीछे बाकी की चल दी। ऐसा ही मेष राशि का मनुष्य काफी हद तक इस प्रकार से अपने कार्यों को जल्दी जल्दी करने वाला, अपने कार्यों में परिवर्तन करने वाला। कार्य मीन्स अपनी सोच में, मेष राशि वालों की सोच बड़ी जल्दी बदलती है, उन्हें गुस्सा जल्दी आता है और जल्दी ही चला जाता है, यानी क्षण भर का गुस्सा, और कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहता, क्योंकि यह 4 पैरों वाला जानवर है। और ऐसे व्यक्ति जैसे मेड़ के पीछे एक चलती है, इनका स्वभाव भी कई बार स्कूल टाइम में मेरे किसी दोस्त ने इस सब्जेक्ट को लिया है तो मैं भी उसी भेड़ चाल में फंस के इसी सब्जेक्ट को ले लूंगा, और भी दोस्त उसी को ले रहे हैं, अन्य लोग ये काम कर रहे हैं तो मैं भी उसी काम को करूंगा, लाइक दैट। कि ऐसे लोग अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते रहते हैं, क्योंकि यह चर राशि भी है और यहाँ मेष का स्वामी जो है वो एक मेड़ा है। यहाँ मंगल के गुण, जिसमें मेड़ा उसका सिंबल है, उसके मुताबिक गुण होंगे। साथ ही लगन पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि अपना प्रभाव देगी, या मंगल
किस भाव किस राशि में है, वहां बैठ के अपने घर को किस प्रकार से देखता है, उसका उस पर प्रभाव होगा। अब आते हैं वृश्चिक। वृश्चिक का स्वामी भी लग्न का मंगल है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे मेष की तरह, ये भी होगा क्योंकि इसका स्वामी भी मंगल है। तो यहां देखिए वृश्चिक राशि जो है काल पुरुष के अष्टम भाव की राशि है। काल पुरुष कुंडली मेष राशि से शुरू होती है, यही आपकी काल पुरुष कुंडली है, और काल पुरुष का अष्टम भाव जहां की वृश्चिक राशि यदि किसी का लग्न बनती है तो यह अंधेरे भाव की राशि है, जहां बिच्छू छुप कर रहता है दरारों में। तो ऐसे व्यक्ति अपने विचारों को छिपा कर रखते हैं, किसी को उतना ही बताते हैं जितना कि उसकी आवश्यकता है, अधिक बात नहीं करते, बहुत ज्यादा चंचल नहीं होते और अपनी बातों को दूसरों के सामने उतना ही बताते हैं जितना कि उसके लिए आवश्यक है, उससे अधिक नहीं बताते। ये व्यक्ति क्योंकि छिपाकर अपने मन में बातों को रखते हैं यानी मनन करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ जुड़े होते हैं, यानी इनमें मैनेजमेंट की पावर बड़ी अच्छी होती है। ये अपने दुश्मन को भी पालते हैं, अपने गुस्से को भी पालते हैं, गुस्से से बड़ा दुश्मन व्यक्ति का कोई नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति स्थिर स्वभाव वाले, क्योंकि स्थिर राशि है, अपने मन की बात को अपने अंदर रखने वाले, जैसे बिच्छू छिपकर रहता है वैसे अपने विचारों को छिपा कर रखने वाले, बहुत कम बोलने वाले और मनन करने वाले, यानी अपने काम को अपनी बातों को अपने अंदर ही अंदर सोचकर फिर एग्जीक्यूट करना, इफ एंड बट्स सोचने के बाद आगे बढ़ना, तो हम इसे मैनेजमेंट की राशि कहेंगे। ये लोग अगर किसी को मारते हैं यानी किसी का बुरा भी करते हैं या किसी को अपने से दूर भी करना है तो उसे मुंह पर कहकर नहीं करेंगे, उसके साथ बैठकर चाय भी पिएंगे पर ये पीठ पीछे वार करेंगे, यानी छिप कर वार करेंगे, अर्थात उस व्यक्ति को पता भी नहीं होगा कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ गलत सोचा है या गलत सोच रखा है या मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। और मेष राशि वाले मुंह पर बोलेंगे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, लेकिन करते कुछ नहीं है। और ये लोग कहते नहीं है पर छिप कर वार करने की राशि है। अब आते हैं वृषभ राशि, मेष के बाद वृषभ राशि, जिसका स्वामी शुक्र है, और तुला राशि, इसका स्वामी भी शुक्र है, हम जानते हैं। तो वृषभ राशि, इसके स्वामी शुक्र जो है, वृषभ का जो सिंबल है वह भी चार पैरों वाला जानवर बैल है। अब बैल की क्वालिटीज आप सोचिए, बहुत मेहनती, फोकस्ड, किसी भी एक काम को जो व्यक्ति करने लग जाए उसे पूर्ण करने के बाद ही दूसरा काम हाथ में लेते हैं। आप बैल को कोल्हू में जब लगा दें वो पूरा तेल निकाल कर ही काम समाप्त होने पर ही आराम पाता है। तो ऐसी ही क्वालिटी वृषभ राशि के व्यक्तियों में होती है, उनका भी चरित्र जो होता है कि एक स्थिरता वाला है, सुंदरता भी होती है, शुक्र के ही सुंदरता भी मिलती है। और शुक्र क्योंकि ये बैल की राशि है तो कहीं ना कहीं रंग भी कभी सांवला मिलता है, सुंदरता तो शुक्र के समान अच्छी मिलती है परंतु रंग के मामले में ऐसे व्यक्ति थोड़े काले हो सकते हैं, सांवले हो सकते हैं। इसका असर पड़ता है कि शुक्र यानी लग्नेश होकर शुक्र कहां गया, किन ग्रहों से संबंध बना रहा है, किंतु शुक्र वालों को हम स्थिरता वाले, मेहनती और
रात के समय एकांत वास पसंद करते हैं, क्योंकि बैल सारा दिन काम करता है, घरों में रहता है, घर के अंदर काम करता है, जहां भी खेतों में घरों में, परंतु रात को उसे खुला छोड़ देते हैं। तो रात को वह अपना एकांत पसंद करता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति भी अधिकतर एकांत पसंद करते हैं। अब आते हैं तुला। तुला चर राशि है, इसका स्वामी भी शुक्र है, लेकिन इसका सिंबल देखें तो तराजू है। अब तराजू कहाँ पाया जाता है? मॉल्स, बाजार, हाट, मेला। तो ऐसे व्यक्ति घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं, यानी तुला वालों को घूमना फिरना, अच्छे कपड़ों का शौकीन, परफ्यूम, इन सब चीजों के शौकीन, खरीदारी करना, शॉपिंग करना, ये बहुत पसंद होता है। ये स्थिर होकर नहीं रह सकते। इन्हें सब लोगों के बीच एक तुला के समान संबंध स्थापित करके रहना चाहते हैं, सबको खुश करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि तुला ऐसा एक सिंबल है कि अगर आप इसके पलड़े में सुख तोलो तो दुख नीचे जाएगा, दुख तोलो तो सुख नीचे जाएगा, यानी आप कभी भी सुख और दुख को एक बराबर पलड़े में नहीं तोल सकते। किसी की खुशियों को आप देने जाएंगे, किसी एक को खुश करेंगे तो दूसरा दुखी होगा ही होगा। इसका अर्थ है कि आप कभी भी किसी को भी पूरी तरीके से सुख या कहो उसके साथ तालमेल नहीं बना पाते, क्योंकि आप तालमेल करने के चक्कर में स्वयं पिस जाते हैं या सामंजस्य नहीं बिठा पाते, क्योंकि तुला तराजू कभी भी इसके पलड़े एक समान नहीं रहते। तो ऐसे व्यक्ति सभी को सुख रखना चाहते हैं, सुखी रखना चाहते हैं, या सबके साथ सामंजस्य बिठा के चलना चाहते हैं, तालमेल बिठा के रखना चाहते हैं, चाहे वह परिवार हो, चाहे वह संतान हो, चाहे मित्र हो, परंतु वह सामंजस्य नहीं बिठा पाते। इसलिए तुला वालों का स्वभाव जो स्वच्छंद वायु में हमेशा रहने वाला, अपने ही में ही उड़ने वाला, या कहिए हवा की तरह ये रहते हैं, पल में यहाँ पल में वहां, अभी शॉपिंग करने के लिए बोलो तो चल देंगे, और यहां तक कि कोई भी उन्हें जब कभी भी कह दे चलो बाजार चले, चलो घूमने चले, तो यह तैयार हो जाते हैं। बाद में सोचते हैं मैंने ऐसा क्यों किया, तुला है ना, बाद में सोचता है अरे मेरे जाने से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, या मेरे जाने से ही इसका फायदा हो रहा है, किसी और के साथ कहीं गलत ना हो जाए। तो ये तुला इसी में तालमेल बिठाने में परेशान हो जाती है, किंतु खुश मिजाज राशि। अब आते हैं मिथुन पर। मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों के स्वामी बुध है, बुध ग्रहों में राजकुमार है। मिथुन राशि, इसका सिंबल एक जोड़ा है, तो मिथुन राशि वाले हमेशा एक से अधिक की लालसा रखते हैं। यदि माता से प्यार मिला है तो पिता से भी मिल जाए तो क्या हर्ज है, माता से पैसे मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से पिता से भी मिल जाए, एक सामान लेने जा रहा हूं तो दूसरा भी मिल जाए, एक बिजनेस है तो साथ में नौकरी भी हो जाए, एक जगह से पैसा आ रहा है तो दूसरी जगह से भी आ जाए। यानी मिथुन राशि, क्योंकि यह राशि वैश्य राशि है, व्यापारिक बुद्धि रखती है और व्यापार की ही राशि है, इसलिए ऐसे लोग हमेशा दो स्वभाव वाले रहते हैं। इन्हें दो चीजों से कम में संतुष्टि नहीं होती, दो से अधिक मिल जाए तो और भी ज्यादा। यहां तक कि ऐसे लोगों की या तो दो विवाह होते हैं या दो संतान भी हो सकती है। बाकी यह डिपेंड करेगा कि बुध कहां बैठा है। अब आते हैं कन्या पर। कन्या, यह पृथ्वी तत्व की राशि है। एक लड़की जो हाथ में बाली लिए हुए, यानी कन्या राशि वाले, यह
बहुत ही त्याग करने वाली राशि है, सबके लिए समर्पित। जैसे भूमि, आप उसको फावड़े से मिट्टी को खोदो तब भी वे आपको अन्न देगी, धन देगी, अन्न उगाएगी, पौधे उगाएगी, पेड़ लगाएगी, पौधे फल फूल देगी। चाहे आप उसमें अग्नि तपाओ, तो आप अपना मिट्टी के बर्तन बनाओ, तब भी वो आपके लिए मिट्टी के बर्तन बना देगी, अग्नि जला के चूल्हे में रोटी पका देगी। यानी यह राशि हर प्रकार से त्याग के लिए समर्पित है। एक स्वभाव जो ऐसे लोगों का, यदि किसी से घृणा तो उससे बहुत घृणा, यानी फिर बंजर हो जाती है, और यदि किसी से प्यार है तो बहुत अधिक प्यार है। इसमें कहीं भी छल कपट नहीं है, यह केवल ये कह सकते हैं कि आइदर यस और आइदर नो, कुछ है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसमें संशय नहीं रहता है, यह आर या पार की बात करती है। यदि किसी को देती है तो बहुत दे देती है, अपने आप को दुख देकर भी समर्पित यह राशि है, क्योंकि पृथ्वी जननी है, माँ है, और माँ हमेशा देती ही है। तो कन्या राशि आप देखें, जो एक कन्या बाली लेकर खड़ी है, वह आपको अन्न धन हर प्रकार से लोगों की सेवा समर्पण की भावना इस राशि के लोगों में रहती है। दोनों के स्वामी बुध होने से व्यक्ति अपने से कम उम्र का दिखता है, यानी राजकुमार है ग्रहों में तो व्यक्ति एक राजकुमार की भांति लुक रखता है। जैसा कि आप ये कह सकते हैं, अपनी उम्र से कम लगता है। अब आते हैं कर्क और सूर्य, क्योंकि यही दो राशियां हैं जिनको अन्य दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, केवल एक एक राशि प्राप्त हुई है, क्योंकि राजा है और रानी है। रानी हमारी चंद्रमा कहा जाता है, चंद्रमा माता है, माता हमेशा प्यार बांटती है, इमोशनल राशि है बहुत ज्यादा, क्योंकि माता सबके साथ इमोशन का भाव रखती है। कर्क राशि का स्वामी केकड़ा है, केकड़ा जो कि आप ये देखिए कि अगर केकड़ा किसी को पकड़ ले तो अपने पंजे टूटने पर भी उसकी पकड़ नहीं हटती, यानी पंजे टूट जाते हैं लेकिन पकड़ नहीं छूटती, पंजे टूट जाने पर भी वह उसमें अपने पंजे गड़ाए रहता है। तो अर्थ इसका कि व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों का चरित्र कि वह अगर किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो इस हद तक करते हैं कि वह स्वयं को दुख भी पहुंचा देते, वहां से उन्हें उतना प्रेम ना भी मिले, दुख मिले, तब भी वह प्रेम करना नहीं छोड़ते। यह प्रेम आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माता, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका प्रेमी कोई भी हो सकता है, या आपका किसी अन्य वस्तु से, धन से बहुत अधिक प्रेम हो, प्रेम है, किसी से भी हो सकता है। किसी किसी व्यक्ति को तो धन से ही बहुत प्यार होता है, परिवार से प्यार होता है, तो उस प्रकार से प्रेम केवल प्रेम को समर्पित है, जो कि इमोशनल राशि है, इसलिए आंसू भी निकलते हैं, मूड स्विंग बहुत होते हैं, क्योंकि चंद्रमा कभी घटता है कभी बढ़ता है। उस प्रकार से ही ऐसे लोगों का मूड कभी अच्छा कभी एकदम से बुझा हुआ। तो चंद्रमा के समान ऐसे व्यक्ति ऐश्वर्य का व्यक्तित्व भी रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा रानी है, इसलिए ऐश्वर्य इनमें बहुत होता है, सुंदरता अत्यधिक होती है, धन भी इनके पास आता है यदि चंद्रमा सुस्थित हो, यानी शुभ भावों में मित्रों के साथ हो, तो ऐसे लोगों को धन की कमी नहीं होती। अब आते हैं सूर्य। सूर्य सिंह राशि है, यह राजा है। तो अभी आपने सोचा होगा, जब राजा के, रानी के पास इतना ऐश्वर्य है तो राजा क्या होगा? राजा इमोशनल नहीं है, लेकिन
सूर्य राजा होने के कारण अपनी डिग्निटी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रखता है। ऐसे लोग ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते, कोई उन्हें रोब से काम नहीं करवा सकता। प्यार से ऐसे लोगों से आप बहुत कुछ निकलवा सकते हैं, बहुत काम ले सकते हैं, किंतु जहां आपने रोब दिखाया वहां ये काम नहीं करेंगे। दूसरा, सिंह जंगल में अकेला रहता है, तो ऐसे लोग अपनी एक अच्छी पोजीशन पर जब पहुंच जाते हैं तो जीवन में अकेलापन इन्हें मिलता है। क्योंकि आप देखिए, जो राजा होता है वह प्रजा से घुल मिल नहीं सकता, जो राजा होता है सबके बीच में जाके खा नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। तो आप ये समझिए, एक बॉस है जो अपने केबिन में रहेगा और उसके मैनेजर वगैरह, उसके सबोर्डिनेट, उसके वर्कर बाहर मिलजुल के आराम से एक दूसरे से बातें करते हैं, और यह राजा अंदर अपना अकेले कमरे में बैठता है। तो सूर्य राजा है, राजसिक वैभव रखता है, वैसा स्वभाव रखता है, रोबीला स्वभाव रखता है, यहां तक कि इसमें झूठा अहंकार भी कह सकते हैं, या स्वाभिमान बहुत अधिक होता है, अहंकार से अधिक स्वाभिमान। तो कब स्वाभिमान अहंकार बन जाता है, यह तो एक बारीक लाइन है अहंकार और स्वाभिमान के बीच की। तो ग्रहों में जो स्थिति है कुंडली के अंदर ग्रहों की, उससे आपको पता लगता है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगा, अहंकार में या स्वाभिमान में। फिर भी अगर ऐसे व्यक्तियों के पास धन ना भी हो तो यह फटे हुए कपड़ों में भी प्रेस लगा के ऐसा बिहेव करेंगे कि जैसे इनके पास बहुत धन है। घर आए व्यक्ति के लिए इस प्रकार से उसका सेवा भाव आप भगत करेंगे कि घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, यह एहसास भी नहीं होने देंगे। यानी ऐसे लोग दूसरों के लिए इतना करते हैं कि हम देने के लिए हैं, लेने के लिए नहीं। हमें किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं है, बल्कि हमें देना है। हम गिवर हैं, हम लेने वाले नहीं हैं। ऐसा स्वभाव सूर्य राशि वालों का रहता है। अब आते हैं बृहस्पति की राशि। बृहस्पति की धनु राशि है और मीन राशि, इन दो राशियों का स्वामित्व गुरु के पास, लेकिन दोनों में स्वभाव देखें तो बहुत फर्क मिलेगा। हालांकि दोनों ही द्विस्वभाव राशियों के हैं, जैसे बुध था ऐसे ही बृहस्पति भी द्विस्वभाव राशि का स्वामित्व रखता है। धनु राशि देखें तो इसका सिंबल एक तीर कमान है, जिस पर एक व्यक्ति घोड़े पर सवार आकाश की ओर तीर लिए हुए है, जैसे कि आकाश में छेद करना चाहता हो या ईश्वर से बातें करना चाहता हो, क्योंकि यह काल पुरुष की धर्म की राशि लगन में होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रति यानी धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं करते, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीर के समान मछली की आंख पर निशाना लगाते हैं। यानी ये व्यक्ति अपना लक्ष्य को पहले साधते हैं, उसके लिए कमान के समान अपने आप को थोड़ा सा वक्र करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे देखता है ना मनुष्य, घोड़े के ऊपर तीर कमान लिए हुए तो थोड़ा सा पीछे देखते हैं, मैं अपने पीछे कोई गलती तो नहीं कराया, मैंने जो काम किया क्या वो ठीक था, क्या उसे सुधारा जा सकता है, तब वो जाके उस कार्य को पूरा करते हैं। यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोच विचार करके पूरी तरीके से इफ एंड बट्स देखते हुए पीछे अपने कार्यों का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कह सकते हैं गुरु है तो थोड़ा सा अपने अध्यापन को, अपने पढ़े हुए को, अपने द्वारा किए हुए कार्य को दोबारा पढ़ता है,
या उसका मनन करता है फिर आगे बढ़ता है। गुरु हमेशा बैठ के कार्य करता है, यानी आपको पढ़ाता है, बैठ के आराम से कक्षा लगाता है। तो ऐसे में जो गुरु वाले व्यक्ति हैं वह थोड़ा बैठ कर अधिक कार्य करते हैं या बैठे बैठे बातें करके अपना काम करते हैं, अपनी बुद्धि से अधिक चलते हैं और बहुत सोच विचार करते हैं। मीन राशि, इसका सिंबल एक मछली का जोड़ा है, वो जोड़ा जो एक दूसरे के मुंह की ओर पीठ किए हुए है, एक मछली ऐसे और एक मछली ऐसे, यानी एक दूसरे के पीछे चलते हुए, पल में इधर पल में उधर। तो ऐसे बृहस्पति वाले अपने विचारों को भी, अपने किए हुए कार्य को भी बार बार बदल कर देखते हैं, क्या मैंने ठीक लिखा, क्या मैंने ठीक कहा, उसको फिर से सोचते भी हैं और दोबारा से उसका विश्लेषण करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का शरीर बहुत मोटा होता है, बृहस्पति गुरु की राशि तो ये मोटे भी होते हैं और इनमें भी बैठकर करने वाले कार्यों की अधिकता अधिक रहती है। इनकी याद अगर देखी जाए तो जो चीजें ये याद रखना चाहते हैं केवल उन्हीं को याद रखते हैं, बाकी चीजों को भूल जाते हैं। व्यय भाव की राशि है तो व्यय करने की खातिर ये कुछ भी अधिक से अधिक व्यय कर सकते हैं, पढ़ने का कहीं भी खर्च करना हो तो व्यय की अधिकता इनमें अधिक रहती है। इनके पैर, पैरों के पंजे पतले होते हैं क्योंकि फिश है, फिश का पीछे का भाग पतला होता है, इसलिए मीन राशि वालों के पैर के पंजे, पैर उनके थोड़े पतले होते हैं, उनके शरीर भारी पैर पतला होता है। अब शनि की बारी आती है। शनि मकर और कुंभ के स्वामी और मकर राशि चर राशि है, कुंभ राशि स्थिर राशि है। मकर राशि का सिंबल एक मगरमच्छ, आधा घोड़ा, आधा जमीन पे और आधा पानी में। मकर राशि बहुत धैर्य की राशि मैं कहूंगी। अगर आप मगरमच्छ के गुण देखें तो वह पानी में घंटों बैठा रह सकता है, तो इनमें आलस्य हो सकता है, या ये कहूंगी कि आलस्य ना करके ये ऐसे दिखाते हैं जैसे ये आलस्य में है, आराम से बैठे हुए हैं, किंतु ये अपने कार्य को जब करना होता है तो फिर तेजी से आगे बढ़ते हैं, आगे का शरीर घोड़े का, या कार्य को शुरू तो बहुत तेजी से करते हैं बाद में जाके ढीले हो जाते हैं। तो यह मकर राशि वालों का स्वभाव होता है कि कभी कभी ये बहुत ढीले हो जाते हैं। दूसरा, इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है क्योंकि सेकेंड हाउस में भी कुंभ राशि आती है, शनि की आती है, शनि इनके स्वामी है, शनि एक बूढ़ा ग्रह है तो इन्हें पुरानी चीजों से लगाव रहता है, यूनिक चीजें, पुरानी चीजें बहुत जल्दी नहीं फेंकते, पुरानी बातों को नहीं भूलते, क्योंकि दूसरा भाव भी शनि का, पहला भाव भी शनि का, तो पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को ये कभी नहीं भूलते। यहां तक कि जब भी झगड़ा होता है अपने पार्टनर से या किसी से भी, तो ये पुरानी बात को पहले लेके आते हैं और आगे झगड़े को बढ़ाते हैं। लंबा खींचना शनि के समान, बुजुर्ग के समान। फिर ये काल पुरुष की मकर राशि जो कर्म की राशि है, ये केवल कर्मा पर बिलीव करते हैं, जो भी करना है कर्म के अनुसार, कर्म के लिए। और यह राशि आती भी इसलिए है क्योंकि ये कर्म करने आई है, कर्म के लिए यह राशि। और आराम परस्त है थोड़ी, पुरानी बातें नहीं भूलती, बुजुर्गों का साथ रहता है और ये गंभीरता भी लेते हैं, धैर्य भी इनमें बहुत होता है। कुंभ राशि, इसका सिंबल है एक व्यक्ति घड़ा उठाए हुए जिसका पानी नीचे गिर रहा है। नीचे कहाँ, अपने ही पैरों पे,
वायु तत्व की राशि है, यानी यह पानी कभी हवा में बिखर भी सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव जो होता है, पहले मैं फिर कोई, इनमें लाभ बहुत अधिक होता है। लाभ पहले मेरे घड़े में आए, खाना पहले मेरे पास आए, जो भी चीज है पहले मैं, तो ये आत्म प्रशंसक बहुत होते हैं। हालांकि दूसरों की सहायता करना, न्याय करना, न्याय की राशि है, तो ये भी गुण इनमें बहुत होता है। किंतु न्याय की शुरुआत भी कहते हैं मैं घर से ही पहले करूंगा, पहले अपने घर से, पहले स्वयं से। मेरे साथ अन्याय हुआ तो मैं पहले उसके लिए न्याय मांगू, तो अपने घर में भी यह भिड़ जाते हैं। तो मित्रों, आज हमारी 12 राशियां संपूर्ण हुई। अब हम आज के व्यूअर्स चार्ट को लेना भूल गए, व्यूअर्स चार्ट भी ले लेते हैं। ये है व्यूअर्स चार्ट, 25 नवंबर 1989 का जन्म है, वृषभ राशि लगन में है। कह सकते हैं ऐसे लोग बहुत मेहनती होंगे, बहुत ही स्वाभाविक रूप से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दूसरा काम करते हैं। अब यह राशि जो है वह गई अष्टम भाव में शुक्र के साथ शनि, लग्नेश योग का शनि के साथ अष्टम में है, तो अचानक से भाग्य जागेगा, कर्म होगा, तभी इसे धन प्राप्ति होगी। सेकंड हाउस का लॉर्ड भी अपने से छठे में है, यानी परिवार में किसी ना किसी को रोग रहता है। यहां पर देखे कर्क राशि तृतीय भाव की, वहां पे चंद्रमा की राशि में केतु बैठा है, चंद्रमा भी रोग भाव में है। अगर हम इस कुंडली का देखें तो चंद्रमा मंगल शुक्र शनि और बृहस्पति अष्टम को देख रहा है अष्टमेश होकर, तो मुझे लगता है यह व्यक्ति बहुत बीमार रहते होंगे। चंद्रमा क्योंकि तृतीयेश है, त्रिक का स्वामी है, सिक्स हाउस में बैठा है, चंद्रमा से संबंधित इन्हें नेजल प्रॉब्लम अवश्य होगी, कफ एंड कोल्ड की। मंगल वहां बैठा है, वायु तत्व की राशि है, तो हवा में जैसे ही मॉइस्चर होगा वैसे ही इनको नेजल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, नाक बहना, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम यह इनको हमेशा रहेगी, उसका इलाज इन्हें अवश्य कराना चाहिए। तो मित्रों यहीं पे समाप्त करते हैं आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। नेक्स्ट हम मिलेंगे नक्षत्रों के बारे में, महादशा के बारे में जानेंगे और कौन कौन से वर्गा चार्ट्स है उनकी भी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। आप अपना प्यार सद्भाव बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।